फाइव स्टार मेंस वियर हॉजरी आइटम्स भी इसी दुकान में दस्तियाब हैं। चंद्र मार्लेश्वर सर्कल रायचूर। ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स। पार्टी में कौन काम कर रहे ऐसा हमारा यूसुफ खान साहब जैसा लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नाजरीन आदाब, मैं आपका मेजबान जहीर, आप देख रहे हैं A1 TV। A1 TV में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, इस बार JDS के कई दावेदार आने वाले असेंबली इंतखाबात में जनता दल सेकुलर की टिकट बड़ी अहमियत के हामिल है। असेंबली इंतखाबात 2012 में JDS टिकट के जो डिमांड थी, आने वाले इंतखाबात में इससे कहीं ज़्यादा डिमांड हो सकती है। ऐसे में आवाम में यह सवाल गश्त कर रहा है कि इस बार जनता दल सेकुलर की टिकट किसको मिलेगी। इस सिलसिले में हमने JDS के ज़िला सदर M वीरपक्षी से खसूसी गुफ्तगू की, जिसमें इन्होंने कहा कि इस मरतबा JDS को किसी भी सूरत में जीत हासिल करनी है और रियासती सतह पर मिशन 1-2-3 को कामयाब बनाना है। लिहाजा BJP और कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखकर JDS टिकट तय की जाएगी। अगर कांग्रेस इस मरतबा अखिलेश को टिकट नहीं देती है तो JDS में ज़रूर अखिलेती उम्मीदवार को देगी। इन्होंने कहा कि पार्टी में मौजूद अखिलेती कायदीन में यूसुफ खान के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। जहां तक मुजीबुद्दीन का सवाल है तो वह पार्टी में शामिल नहीं है। इस मौके पर JDS कायद मोहम्मद साबिर और अहमद पाशा भी शामिल थे। मजीद तफसील इनकी ज़ुबानी ही सुन लीजिए। सर, इससे पहले आप सिया तालाब में जो फंक्शन हुआ था उसमें जो है ना, आप डिक्लेयर कर रहे थे कि माइनॉरिटी में किसको टिकट, बैकवर्ड में किसको, SC में किसको, लिंगायत में किसको, आने वाले इलेक्शन में जो है ना किसको टिकट देंगे, ये आपने कहा था। ये आप विधेयक पर अगर कहें तो पब्लिक को एक अच्छा मैसेज देता आप कही। रायचूर सिटी इलेक्शन के बारे में हमारा पार्टी का तरफ JDS का तरफ लिए पार्टी का प्रोग्राम्स वार्ड वाइज प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैलार नगरा, LBS नगरा, सिया तलब, एक 4-5 वार्ड में मेंबरशिप एनरोलमेंट प्रोग्राम करे हैं। सर, टोटल 35 वार्ड में पार्टी का मेंबरशिप एनरोलमेंट का प्रोग्राम्स हम करते जाएंगे। पार्टी में सालों से कौन पार्टी का काम करे, हमारा सेंट्रल कमेटी स्टेट कमेटी हमारे एक टारगेट दिए, मिशन 1-2-3 बोलकर टारगेट दिए। वो टारगेट में हमारे रायचूर में कौन सा कैंडिडेट को हमें टारगेट का 28 पॉइंट्स उनके दे दिए, कौन मेंबरशिप एनरोलमेंट करता, मीटिंग का करता, वैसा कैंडिडेट को चुन को हमें रायचूर कैंडिडेट बनाना बोलकर हम सोच रहे। ये बात 4 दिन का पीछे हमारा पार्टी ऑफिस में मिशन संगम बोलकर एक सेकेंड एडिशन प्रोग्राम में कुमारस्वामी मत्तु देवेगौड़ साहब को रायचूर का बारे में, रायचूर में कौन सा कास्ट कितना है बोलकर डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हमें। इधर माइनॉरिटीज का प्रॉब्लम क्या है, माइनॉरिटीज का पब्लिक जनसंख्या कितना है बोलकर, SC का कितना है, लिंगायत का, क्वांटेन का, ST का, जैन का, सो इधर पॉपुलेशन के लिए डिटेल हमें रिपोर्ट देखो। आगे का कैंडिडेट बनाने के लिए किसको बनाना बोलकर सोच रहे। ये बात हमें देवेगौड़ा हमारा सुप्रीम कुमारस्वामी के बोले तो देवेगौड़ा साहब ने फिर कुमारस्वामी साहब ने डिस्ट्रिक्ट कमेटी की पावर दे दिए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी वाले सोप बैठ को कौसा कैंडिडेट डाले तो वो कैंडिडेट विन होना वैसा सोच को कैंडिडेट डालो बोलकर अमर पावर दिए। एक 2-3 महीने में पेपर में, उसमें मीडिया में, सोशल मीडिया में हम देख रहे, पब्लिक मुंह से भी वहाँ बात करने का भी देख रहा है। कौन पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ, मेंबरशिप नहीं हुआ, मुजीब जैसा आदमी और एक आदमी मैं टिकट ला तो बोलकर वहाँ बात करने का मुंह से नहीं चुने में, सोशल मीडिया में, वहाँ में, पेपर में आए सो मैं देखे सो।
आज तक मुजीब जिला कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के फोन भी नहीं करे, आज तक आपको मेरे मैं नहीं मिले। उन्हें एक गुत्तेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करता है, किसका काम करता था बोलकर सारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट को मालूम है। शिवराज पाटिल का 80% काम उन्हें करता, शिवनगौड़ का 80% जूनिस काम करता। काम करते वास्ते शिवराज पाटिल शिवनगौड़ा मिल को जेडीएस का डम्मी कैंडिडेट करना बोलकर मुजीब को छोड़े बोलकर भी पब्लिक बात करते। कहीं को बोले तो ईमानदार होना, मैं ठहरना, मैं ये क्षेत्र को जीतना बोले तो आज तक डिस्ट्रिक्ट कमेटी आकर मिलता था बात कर को या काम करने के लिए क्या तो कोशिश करता था। उन्हें कैंडिडेट होने के वास्ते या जेडीएस कैंडिडेट को ये करना बोलकर, क्या है ना, जेडीएस कैंडिडेट हो को बीजेपी का कैंडिडेट को सपोर्ट करना के लिए उन्हें आरा बोलकर हम वहाँ वहाँ बात सुन रहे। इसलिए हमें एरिया एरिया वार्ड वार्ड प्रोग्राम में बोल रहे, कौन हमारा पार्टी में काम कर रहा है, कौन सालों से हमारा पार्टी में, उनको हम टिकट देने के लिए कोशिश करते। आगे के लिए शिवराज पेटला ऐसा आया ऐसा लिया जीत कराया बोलकर भी बहुत बातचीत चल रहे। शिवराज पाटिल का टिकट देने के लिए कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट कमेटी उनका साथ थे, उनके अकेले नहीं थे, उन्हें कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने आपको बात कर को डिस्ट्रिक्ट कमेटी से लेकर चार पांच काउंसलर या पक पार्टी का लीडर्स पकड़ लेकर कुमार स्वामी कने गया, देवेगौड़ा साहब कने गया, चार पांच टाइम जाको मीटिंग करा को वहाँ विनिंग कैंडिडेट के लिए जब डिस्ट्रिक्ट कमेटी लोकल कमेटी मोर देन जैसे हार्ट काउंसलर उनका साथ थे। शिवराज पाटिल दिए थे हम काम करते बोलकर बोलने के वास्ते डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी शिवराज पाटिल सपोर्ट करे थे, टिकट लाया। अब वैसा होने का नहीं है। अब कुमारस्वामी देवेगौड़ा ये चुनाव प्रादेशिक पार्टी के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होना बोलकर सोच रहे। आगे देवेगौड़ा साहब का 89 उम्र, उन्हें एक चैलेंज कर लिया आगे इलेक्शन में कंपलसरी पार्टी का सीएम बना किच मई पार्टी छोड़ तू पार्टी के लिए घर में बैठ तू बोलकर बात कर आजकल प्रोग्राम में ये पकड़ने का मैं जीतने का कैंडिडेट रायचूर ग्रामांतर दोनों ये क्षेत्र में कौन जीते, कौन पार्टी के लिए काम करते है उनको लिए सपोर्ट कर को टिकेट ला को रायचूर आजकल देख रहे। रायचूर का हालत क्या हो रहे, रायचूर का इतना फंड ला रहे, 600 करोड़ 500 करोड़ ज्यादा मई लाए सो ऐसा डेवलपमेंट करे बोलकर शिवराज पाटिल बोल रहे। एक रास्ता अच्छे नहीं, एक ड्रेनेज अच्छे नहीं, वार्ड में लाइट भी नहीं है, गटर साफ करने वाले नहीं है, लाइट नहीं है, जाड़ने वाले नहीं है। रायचूर एक कंप्लीट स्लम जैसा हो गया, म्युनिसिपालिटी नींद में चले गया, म्युनिसिपालिटी काउंसलर्स नींद में चले गया, इधर का एमएलए टोटली भ्रष्टाचार कर लेके एक एक काम में 40% पैसा ले काम कर रहे, कंप्लीट काम क्या भी नहीं हो रहा है। ऐसा काम सीसी रोड डालना, 3 महीने में वो सीसी रोड चलने का काम हम देख रहे हैं। इसलिए रायचूर का डेवलपमेंट के वास्ते पार्टी आगे का सोच रहे, वो पार्टी का मिशन में देवेगौड़ा साहब कुमारस्वामी साहब का राय लेकर रायचूर का अच्छा कैंडिडेट, वो भी पार्टी में काम कौन करता उनको लिए हम टिकट लाने के लिए कोशिश करते, जीतने के भी कोशिश करते। अच्छा, अब पार्टी में महिला किस के लिए या एससी हुआ एससी के लिए देना चाह रहे हैं या लिंगायत कम्युनिटी के लिए देना चाह रहे हैं, तो आप मुस्लिम कैंडिडेट में किसका नाम आप प्रपोज करेंगे? माइनॉरिटीज या मोर देन 60,000 माइनॉरिटीज है रायचूर में,
शिवराज पाटिल दो टाइम जीते, हमारा माइनॉरिटीज को एससी के लिए एससी जनांग वोटिंग का अवेयरनेस होना है, वोटिंग का अवेयरनेस नहीं है। वोट किसको डालना, डेवलपमेंट कैसा होता बोलकर आज तक 60,000 का ऊपर रही सो माइनॉरिटीज लोग सोच रहे नहीं है। 55,000 हमारा एससी लोग है उन पर सोच रहे नहीं है। कैसा होता एक क्षेत्र में 5,000-2,000 रहने वाले जीत कर आते, 5,000-6,000-7,000 रहने कम्युनिटी जीत कर आते, ये डेमोक्रेसी में गलत होता है। हमें या रायचूर का पॉपुलेशन के वास्ते देखो, कांग्रेस जे बीजेपी कोसा कैंडिडेट करता वो कैंडिडेट के ऊपर माइनॉरिटी से में हमारा कैंडिडेट बहुत कैंडिडेट सोच रहे, लिंगायत में भी कैंडिडेट सोच रहे, दूसरा कास्ट में क्या कैंडिडेट सोच रहे। आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते आपकी नज़र में कौन कौन है? हमें आज तक आइडेंटिफाई कर रहे, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करे, हमें हमारा पार्टी में अंदर पहले रहने वाले को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा पार्टी में कौन है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पार्टी में कौन काम कर रहे ऐसा हमारा यूसुफ खान साहब जैसा लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर कांग्रेस बीजेपी वहाँ एक माइनॉरिटी दिया, कांग्रेस एक माइनॉरिटी दिया बोले तो हमें कौन सा कम्युनिटी का हम लाना बोलकर सोच रहे, वो भी कैंडिडेट का सोच रहे, कैंडिडेट बात कर रहे, वो भी काम करने के लिए रेडी हो गए। इसलिए हमें क्या है कांग्रेस फिर बीजेपी का कैंडिडेट देखो या जीतने के वास्ते कौन सा कम्युनिटी डाले तो हम जीतते बोलकर प्लान से हमें कैंडिडेट बनने के लिए सोच रहे हैं। नहीं सर, वो लास्ट टाइम जो है ना आप ही बोले कि शिवराज पटेल को फाइनल हुआ था लास्ट टाइम 10 साल पहले, जो 10 साल पहले इलेक्शन हुआ था शिवराज पटेल साहब पहली बार आए थे। अब इस बार जो है ना क्या डिस्ट्रिक्ट बॉडी को अथॉरिटी दी जाएगी, क्या हाईकमान अथॉरिटी देगा यहाँ की सीट देने के लिए? कंप्लीट 4 दिन का पीछे हमारा स्टेट कमिटी मीटिंग में कुमार स्वामी साहब ने टिकट फाइनल करने का काम डिस्ट्रिक्ट कमिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट कमिटी का कौन सा कैंडिडेट, उनका कैरेक्टर क्या है, सोशल वर्क क्या काम कर रहे, उनका पब्लिक में कैसा नाम है बोलकर चूज को 2-3 नाम दिए तो डिस्ट्रिक्ट कमिटी हमें बैठ को फैसला करेंगे बोलकर हमारे को पावर दे दिए, हमें वो इसमें जो हम काम कर रहे हैं।